गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम गोपी कुमार श्रीवास्तव फ्रॉम एस एस सुदाम डी। दिस इज माई सेकेंड वीडियो इंडियन इकोनॉमिक चैप्टर नंबर 9 रूरल डेवलपमेंट। इन द प्रीवियस वीडियो आई एम ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द रूरल डेवलपमेंट एंड द इमर्जिंग चैलेंज एंड द लिंगरिंग चैलेंज ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। मैंने डिस्कस किया था कि लिंगरिंग चैलेंज में क्रेडिट के बारे में, मार्केटिंग के बारे में और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, जो हमारा इमर्जिंग चैलेंज था। बट नाउ आई एम डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट द लिंगरिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इस लिंगरिंग चैलेंजेस के अंतर्गत जो हमारा रूरल क्रेडिट का जो बातें हैं, उसे हम लोग डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रूरल क्रेडिट होता क्या है और किस प्रकार से हम लोग यह फार्मर से गेट करता है या पाता है। सो लेट अंडरस्टैंड दिस बाय विद दिस टेबल एंड चार्ट एंड द लिंगरिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे हो गया कि हमारा क्या लिंगरिंग चैलेंजेस है, जो कि और मैंने बताया था आपको जो लिंगरिंग चैलेंजेस है वो क्रेडिट को लेके था और मार्केटिंग को लेके था। क्रेडिट का मतलब होता है कि लोन, और मार्केटिंग का मतलब होता है जिस जगह पे फार्मर जाके बेचता है। तो फार्मर को ये दो चीजों को बहुत जरूरत होता है, पहला एक लोन जिससे वो प्रोडक्शन कर सके, और दूसरा फसल को बनाने के बाद, क्रॉप को बनाने के बाद एक मार्केट जहां पे वो उसको बेच सके। तो ये जो सिचुएशन है क्रॉप प्रोडक्शन से लेके क्रॉप बेचने का, वो हमारा लिंगरिंग चैलेंज के अंतर्गत आता है। सो लिंगरिंग जो चैलेंज है, चैलेंज अगर क्रेडिट रूरल क्रेडिट है, उसको इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग समझते हैं किसके बारे में, कि क्रेडिट के बारे में, कि आखिर हमारा जो क्रेडिट है, जो रूरल क्रेडिट होता है, लिंगरिंग का पहला चैलेंज होता है रूरल क्रेडिट, उसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर कितना प्रकार का क्रेडिट होता है जो फार्मर को मिलता है। तो लिंगरिंग चैलेंज के अंतर्गत फार्मर को कितना तरह का क्रेडिट मिलता है, लोन मिलता है, वो हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला है शॉर्ट टर्म लोन, दूसरा है या क्रेडिट बोल दीजिए, लोन बोल दीजिए, या फिर है मीडियम टर्म लोन या फिर क्रेडिट बोल दीजिए, या लॉन्ग टर्म क्रेडिट या लोन बोल दीजिए। क्रेडिट को आप लोन बिल्कुल बोल सकते हैं, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लोन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप इसको लोन भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो लेट अंडरस्टैंड द वन बाय वन एवरी लॉन्ग टर्म क्रेडिट एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट। द फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द शॉर्ट टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट वो क्रेडिट जो विथ इन वन ईयर के लिए आपको लोन दिया जाता है, उसे हम लोग शॉर्ट टर्म क्रेडिट बोलते हैं, और जो एक साल से ज्यादा दिया जाए उसे हम लोग लॉन्ग टर्म कहते हैं। और जो हमारा लॉन्ग टर्म होता है, जैसे कि आप मीडियम टर्म में 12 में एक साल से लेकर 5 साल होता है, और लॉन्ग टर्म में आपका 5 साल से लेकर 20 साल भी हो सकता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोन लेते हैं। तो देखिए, समझते हैं ये आखिर हम लोग शॉर्ट टर्म के लोन है, जो हमारा 6 से 12 मंथ होता है, जो एक साल के अंतर्गत होता है, वो हम क्यों लेते हैं या फार्मर को क्यों जरूरत पड़ता है उस तरह का लोन लेने का। तो पहला है रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ इनपुट। इनपुट मतलब उन्हें सीड का जरूरत पड़ता है, उन्हें पेस्टिसाइड की जरूरत पड़ता है, फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ता है। तो इन चीजों का जो जरूरत होता है, इनपुट मतलब वो चीजें हो गया जो प्रोडक्शन करने के लिए जरूरी होता है, उसे हम लोग इनपुट बोलते हैं। तो हमारा पेस्टिसाइड हो गया, सीड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, ये सब वो चीजें हैं जो हमें प्रोडक्शन करने के लिए या फार्मर को प्रोडक्शन करने के लिए जरूरत पड़ता है। तो उसके लिए फार्मर जो है शॉर्ट टर्म क्रेडिट लेता है, लोन लेता है, ताकि उसका जो नीड है वो पूरा कर सके। मान लीजिए अचानक सीड घट गया तो वो सीड मंगा सकता है, अगर उसके पास शॉर्ट टर्म लोन रहेगा तो। और ये लोन आप 6 से 12 मंथ के लिए ले सकते हैं, और इसको आपको तुरंत लौटाना पड़ेगा। मीडियम टर्म क्रेडिट के बारे में समझते हैं, ये लोन आखिर हम लोग क्यों लेते हैं, और ये लोन का जो पीरियड है वो है आपका 6-12 मंथ to 5 ईयर, मतलब 1 साल से लेकर 5 साल तक के बीच में आप जो लोन लेते हैं वो आपका मीडियम टर्म लोन कहलाता है। ये हम आखिर क्यों लेते हैं या फार्मर क्यों लेता है। रिक्वायर फॉर द परचेस ऑफ मशीनरी, या मशीन खरीदना है तब आप इस तरह का लोन ले सकते हैं, क्योंकि मशीन में जो आप इंस्टॉलमेंट देंगे या जो इंटरेस्ट ब्याज देंगे वो 1 साल में तो तुरंत दे नहीं सकते हैं। मशीन थोड़ा महंगा होता है, ठीक ना। मशीन मतलब क्या हो गया, ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, जो फार्मर को जरूरत पड़ता है। मशीन हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसेस हो गया, फेंसेस मतलब कि जो हमारा जो खेत है उसके आसपास कंस्ट्रक्शन करना, बाउंड्री लगाना, वो हमारा फेंसेस हो गया। एंड द डिगिंग द वेल, मतलब कुआं खोदने के लिए भी अगर जरूरत पड़ेगा तो इस तरह का लोन हम लोग ले सकते हैं, ताकि कुआं बनाएंगे, ताकि कुआं को खोदना, डिगिंग मतलब खोदना, ताकि खोद के हम लोग पानी निकाल सके और हमारा जो खेती बाड़ी है अच्छे से चल सके। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है, ये रूरल बेस्ड है, रूरल डेवलपमेंट में बेस्ड है, फार्मर में बेस्ड है, ये हर बात उसका ही करेगा। तो आप ये समझ के होंगे शॉर्ट टर्म भी, आते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म। रिक्वायर फॉर द परचेज ऑफ एडिशनल लैंड, ये लॉन्ग टर्म है, अगर आपको एक और लैंड चाहिए, एक जमीन खरीदना है, तो आप इस तरह का लोन ले सकते हैं। मतलब ये और भी, जैसे मशीन तो क्या होता है, डे टू डे जरूरत पड़ता है, लैंड क्या हो गया वो भी जरूरत पड़ता है, पर इसका जो पेमेंट है वो हम भी 1 साल में नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग लॉन्ग टर्म लेते हैं।
या फिर आप अपना ही पुराना जमीन को इम्प्रूव करना चाहते हैं या रिपेयर करना चाहते हैं तो आप इस तरह का लोन ले सकते हैं, इम्प्रूविंग करने के लिए या डेवलप करने के लिए या स्प्रीड करने के लिए। इस तरह से लैंड को हम लोग जो भी लोन लेते हैं कर सकते हैं ना, ले सकते हैं। तो ये तीन तरह का लोन जो है फार्मर को अवेलेबल होता है। ये क्रेडिट हो गया और ये हमारा चैलेंज और रूरल क्रेडिट फर्स्ट चैलेंज हो गया लिंगरिंग का। ठीक है, तो लिंगरिंग का दो ही चैलेंज है, एक है आपका रूरल क्रेडिट और दूसरा है मार्केटिंग। अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो क्रेडिट है, ये जो लोन है, जो तीन तरह का लोन आपको दिख रहा है, वो आखिर मिलेगा कैसे फार्मर को, तो इसको भी हम लोग समझते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये है यहाँ पे सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, मतलब कौन कौन सा वो सोर्स है जहां से आप लोन को ले सकते हैं। ठीक है, तो जहां से हम लोग लोन को ले सकते हैं वो हमारा सोर्स कहलाता है। तो दो ही तरीका से जो फार्मर को लोन मिलता है वो दो ही तरीका है, दो ही इंस्टीट्यूशन है, दो ही संस्था है। इंस्टीट्यूशन का मतलब संस्था हो गया, पहला हो गया वो इंस्टीट्यूशनल सोर्स है और दूसरा हो गया नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। दोनों को हम लोग समझते हैं। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का मतलब देखिए क्या होता है। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज इंक्लूड गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव्स एंड द कमर्शियल बैंक एंड द रीजनल रूरल बैंक। पहला बात, गवर्नमेंट, सरकार से आप लोन मांग सकते हैं, ये हमारा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज माता है, मतलब जो सरकार के अंतर्गत चले, जो अच्छे तरीके से चले, वो जो बैंक होता है जो हमें लोन देता है वो हमारा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कहलाता है। कोऑपरेटिव मतलब होता है वो सोसाइटी होता है जो लोग लोगों का हेल्प करते हैं या फार्मर को लोन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, एक सोसाइटी मिलकर सामने आता है और लोन प्रोवाइड करने का काम करता है, वो कोऑपरेटिव कहलाता है। फिर आता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक वो बैंक है जो पैसा कमाने के लिए काम करता है, जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है, ये भी फार्मर को लोन देता है, बट यहाँ थोड़ा इंटरेस्ट जो है हाई होता है। ठीक है, तो आप कमर्शियल बैंक जैसे SBI हो गया, PNB हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, ये जो भी बैंक है आपका यहाँ पे कमर्शियल बैंक कहलाता है, जो भी प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है। अगला आते हैं हम लोग रीजनल रूरल बैंक, जो आपको गांव में मिलेगा देखने के लिए। रीजनल मतलब क्षेत्रीय होता है, रूरल मतलब गांव के नाम से क्लियर है। बैंक मतलब ये सब, ये जो बैंक होता है वो बेसिकली फार्मर को लोन देने के लिए ही आता है और उसे लोन देता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं इस बात को कि हमारा ये जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स है जहाँ पे हम लोग ये सारी चीजें इंस्टीट्यूशनल है, ये सारी चीजें अच्छे से रेगुलेट होती है, इसलिए इसे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कहा गया है। अगला है और इसके बारे में और भी डिटेल सोर्स हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान जो हमारा 1951 से 1956 में बना था, जो हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग के अंतर्गत जो हमारा फर्स्ट प्लान बना था उसके अंतर्गत ये जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स थे, देख सकते हैं अपन हमारे पास जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स था उस समय जो फार्मर था सिर्फ 7% लोन ले पाता था इंस्टीट्यूशनल सोर्स से। 7%, मान लीजिए 100 करोड़ रुपया में से 7% कितना होता है, 7 करोड़ रुपए, 7 करोड़ ले पाएगा, बाकी नहीं ले पाता था, क्योंकि पहला बात इंस्टीट्यूशनल सोर्स में जाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा और उस समय पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे, फार्मर तो बहुत ही कम पढ़े लिखे होते थे, तो इसी वजह से जो लोग है वो लोन की एबिलिटी होने के बावजूद भी लोन को कलेक्ट नहीं कर पाते थे और वो सिर्फ 7 करोड़, 100 करोड़ में 7 करोड़ ही लोन ले पाते थे। और उस समय 1951 से 56 का जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान है जिसमें इकोनॉमिक प्लानिंग तय किया गया था कि ये प्लानिंग होगा, उसमें देखिए हमारा जो लोन कैपेसिटी है गवर्नमेंट के द्वारा बहुत कम था। इंस्टीट्यूशनल सोर्स के द्वारा जो हमें लोन मिलता था या फार्मर को वो सिर्फ 7% था, जबकि आज प्रेजेंट में देखा जाए तो 66% ऑफ क्रेडिट हो गया, मतलब आपको 66% मिलने लगा, 66 करोड़ मिलने लगा इंस्टीट्यूशनल सोर्स से। मतलब आज हमारा जो फार्मर है वो अधिकतर गवर्नमेंट पर निर्भर करता है, वो कोऑपरेटिव पर निर्भर करता है, वो कमर्शियल बैंक पर निर्भर करता है, वो इन बातों पर निर्भर करना लगा है। ठीक है, अगला हमारा है आते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज देखते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो है वो लैंडलॉर्ड होता है, जो मकान मालिक, वो भी लोन देता है फार्मर को ताकि फार्मर खेती कर सके और हाई इंटरेस्ट दे सके। विलेज ट्रेडर हो गया, मतलब गांव का व्यापारी, वो लोग भी पैसा देता है फार्मर को ताकि खेती कर सके, पर ये लोग किसी तरह के इंस्टीट्यूशनल नहीं है इसीलिए इसे नॉन इंस्टीट्यूशनल कहा गया। इसका कोई बैंक नहीं होता है, एक खाता भाई का हिसाब से करते हैं, साहूकार हो गया या आप इसको सेठ बोल सकते हैं। ये लोग सेठ होते हैं, साहूकार होते हैं, लैंडलॉर्ड होते हैं, मकान मालिक होते हैं और ये फार्मर को हाई इंटरेस्ट रेट में ब्याज में बहुत ज्यादा ब्याज लेकर लोन देते हैं, जिसमें क्या होता है फार्मर बहुत मतलब कि कर्ज में डूब जाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप इंस्टीट्यूशनल सोर्स में जाते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलेगा, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स में जाएंगे तो ब्याज जो है आपको बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया लैंडलॉर्ड हो गया, विलेज ट्रेडर हो गया और एक मनी लेंडर हो गया जो मनी देता है उसे मनी लेंडर कहते हैं। और ये देख सकते हैं ये सभी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स में ब्याज जो है बहुत ज्यादा होता है, यहाँ किसान कर्ज में दब जाता है, जबकि इंस्टीट्यूशनल सोर्स जो है वो सपोर्टिव है जिसमें इंटरेस्ट रेट जो ब्याज होता है वो बहुत कम होता है।
इसको देखते हैं, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में जो नॉन इंस्टीट्यूशन से आप जो लोन लेता था लोग वो 93% था, मतलब कि ये हो गया कि 100 करोड़ रुपया में से 93 करोड़ रुपया लोन जो है नॉन इंस्टीट्यूशन के रास्ते लेता था, जहां पे इंटरेस्ट ब्याज बहुत ज्यादा था, क्योंकि उस समय हमारे पास उतना इंस्टीट्यूशनल बैंक नहीं हुआ करता था, उतना फैसिलिटी नहीं था और बहुत सारा पेपर वर्क था, तो पेपर वर्क से बचने के लिए जैसे कि ये साइन वो डॉक्यूमेंट ये डॉक्यूमेंट के बचने के लिए जो लोग थे 1950 में वो नॉन इंस्टीट्यूशनल की ओर जाते थे। आज भी बहुत सारे लोग जो अनपढ़ है जो पढ़े लिखे नहीं वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स के ओर भी जाते हैं। सिर्फ 7% लोग जो है वो अभी बहुत कम हो गया, ये हमारा पहले बहुत ज्यादा था, अब हमारा जो शिफ्टिंग हुआ है वो देख सकते हैं प्रोजेक्ट में हमारा दिखा रहा है इंस्टीट्यूशनल सोर्स दिखा रहा है 66%, मतलब ये हुआ कि 100 में आप 66 घटा दीजिए तो ये हो गया 34, मतलब 34% जो लोन लिया जा रहा है वो आज नॉन इंस्टीट्यूशनल से लिया जा रहा है, मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल का जो क्रेज था जो वो कम हो गया है और इंस्टीट्यूशनल का संस्था का जो क्रेज है वो बढ़ गया है, मतलब आज लोग कमर्शियल बैंक से रीजनल रूरल बैंक से मतलब बैंकों से सरकारी बैंक से वो पैसा लेने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने डिस्कस कर लिया क्रेडिट के बारे में, हमने डिस्कस कर लिया लोन का जो सोर्सेस है तो दो ही सोर्सेस होता है, आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल, और जहाँ की इंस्टीट्यूशनल जो गवर्नमेंट द्वारा कॉर्पोरेटेड है या गवर्नमेंट उसको चला रहा है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो कोई नहीं चलाता है उसे कोई मकान मालिक चला सकता है, मनी लेंडर चला सकता है, साहूकार चला सकता है, सेठ चला सकता है और ब्याज भी बहुत ज्यादा ले सकता है, तो यहाँ पे किसान क्या होता है कर्ज में दब जाता है, तो आप इसे समझ सकते हैं। सो थैंक यू एंड दिस वीडियो इज आल्सो कंप्लीटेड, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सो थैंक यू।